चरखी दादरी का, जहां अमित शाह की रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चार पैरामिलिट्री कंपनियां दादरी पहुंची हैं। शहर में फ्लैग मार्च किया जाएगा और जिले में 23 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई है। चरखी दादरी में अमित शाह की रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। चार पैरामिलिट्री कंपनियां दादरी पहुंची हैं। शहर में फ्लैग मार्च किया जाएगा और धारा 144 लागू की गई है 23 फरवरी तक के लिए। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। 15 फरवरी की रैली को देखते हुए चरखी दादरी में 23 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई। मैं सहयोगी प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? प्रदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है प्रदीप। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चरखी दादरी में? 15 तारीख को जैन रैली और 18 तारीख को जिस तरह यहाँ पे जाट बलिदान दिवस है, इस मामले को लेकर यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि धारा 144 लागू कर दी गई है, जो आगामी 23 फरवरी तक ये लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे चार पैरामिलिट्री कंपनियां हैं, उनको बुलाया गया है और फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा के लिए दादरी शहर में अभी फिलहाल फ्लैग मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। स्वयं एसपी मंसूरगढ़ यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, उनको दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं सिरसा का, जहां अमित शाह की रैली को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और सिरसा में भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सिरसा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी पहुंची है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद सिरसा में भी किया गया है। सिरसा में पुलिस फ्लैग मार्च किया, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी सिरसा में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगी हुई है। रैली को लेकर हरियाणा के सभी जिलों में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं सिरसा में अर्धसैनिक बल की टुकड़ी पहुंची है। सिरसा में ही पुलिस अलर्ट पर है और फ्लैग मार्च किया है।